डिफरेंसिबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया गया हुआ है। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग जब जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स, तो हम लोगों ने सिंपल वही फंडा यूज़ किया। तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स पे रिस्पेक्ट पे, तो क्या होगा, वन बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज़ किए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से सेक एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, सेक एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ से हम लोग सेक बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे टेन एक्स प्लस सेक दोनों के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो हम लोग को बचेगा वो क्या बचेगा, सेक एक्स। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वही आपको एक्स के साथ इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब भी, हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको वन बाय एक्स के टर्म्स पे लिखे, वन बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज़ किए, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पे क्या होगा, वन, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही वाला हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया। डिफरेंशिएशन क्या, वन बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन का रूल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, टू एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये दोनों कैंसिल्स हो गया, बचा क्या गया, वन ए वाला, वन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर्स है, डीवाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, वन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गाइस तीसरा क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू पे पावर थ्री बाई फोर। जब भी गाइस आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो प्लीज़ आप घबराएं ना, हर हमेशा ही एक चीज़ याद रखें कि इस क्वेश्चंस को आप जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि लॉग एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप उसको एज मच एज पॉसिबल अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, तो वो जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली जो है लॉग का प्रॉपर्टी को यूज़ किए हैं। ठीक है, तो लॉग का प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशंस में, तो हम लोग इसको एडिशंस में कर सकते हैं, लॉग ए एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। ठीक, और हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए वाला टर्म्स क्या होगा, इधर होगा, पावर मल्टीप्लीकेशंस में आ जाता है लॉग का फंडा। ठीक है, तो लॉग ई एक्स जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट पे क्या होता है, लॉग ई एक्स, मतलब ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमेशा एक्स ही होता है। फिर और ए वाला फॉर्म क्या होगा, लॉग पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो लॉग पी माइनस क्यू वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया, वन प्लस थ्री बाई फोर लॉग एक्स माइनस टू। ठीक है, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट पे, तो क्या होगा, वन बाय एक्स माइनस टू माइनस वन बाय एक्स प्लस टू। ठीक है, वन बाय एक्स प्लस टू। अब सिंप्लीफाई, जस्ट इसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपल जो एलजेब्रा है उसको यूज़ किया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये आ गया। चौथा क्वेश्चन गाइज है कि वाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट वन माइनस साइन डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को गाइज देखते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करें, सिंप्लीफाई। जब भी लॉग देखें, तो उसको हर हमेशा याद रखें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सके लॉग के प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो वाई इक्वल टू हाफ अंडर रूट को हम क्या ले सकते हैं, ये अंडर रूट क्या है, हाफ। ठीक है, तो वाई इक्वल टू हाफ लॉग वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लॉग, और ये वाला टर्म्स क्या है, लॉग पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम लोगों ने क्या लगाया, लॉग पी माइनस लॉग क्यू, जो भी लॉग का जो रूल है वही हम लोगों ने यूज़ किया। तो लॉग वन माइनस साइन एक्स माइनस लॉग वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, वन बाई टू। तो अब हम लोगों ने इसको लॉग वन माइनस साइन एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट पे, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। तो लॉग वन माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन बाई वन माइनस साइन एक्स। अब ये मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और माइनस साइन है तो माइनस माइनस माइनस, उसके बाद वही लॉग वन प्लस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट पे, तो क्या होगा, वन बाई वन प्लस साइन एक्स। फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज़ किया, क्योंकि साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, जो कि माइनस सेक एक्स आ गया। ठीक है, जो कि माइनस सेक एक्स आ गया। अब हम लोग देखते हैं
सिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चंस, वाई इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं तो सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक रिपीटेशन से वही वाई के वैल्यू के बराबर ही तो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि टेकिंग लॉग, आपको लॉग लेना है बोथ साइड, दोनों साइड पे आपको क्या लेना है लॉग, ठीक है। दोनों साइड पे आपको क्या लेना है लॉग लेना है, ठीक। तो एल एन वाई इक्वल टू वाई एल एन एक्स, जो भी लॉग का प्रॉपर्टी होता है, फिर हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएशन किया। एल एन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन बाय वाई, लेकिन ये वाई है और हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एल एन एक्स, ठीक है। तो वाई, फिर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का हम लोगों ने फंडा यूज़ किया, वाई बाय एक्स प्लस एल एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली जो है इसको सॉल्व, सिंपली जो है हम लोगों ने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स ये वाला टर्म्स आ रहा है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जस्ट यू हैव टू टेक आउट, ठीक। उसके बाद गाइस सात नंबर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन है कि वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस टाइप्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, सेम फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, और ए वाला टर्म्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है गाइज, ठीक है। ए वाला गाइज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए वाला क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये वाला क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब हमने उसको क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है डिफ्रेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और वाई स्क्वायर को टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स के क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो जस्ट इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू वाई माइनस वन आ गया, ठीक है। उसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन है, एक्स पे पावर वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग हम लोगों ने दोनों साइड लिया, ठीक है। तो वाई एल एन एक्स इक्वल टू, जब भी लॉग लोगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स पे तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कट जाता है और एक्स माइनस वाई आ जाता है, ठीक है। जो भी इसका रूल है हम लोगों ने यहाँ पे वही यूज़ किया। तो और ए टर्म्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाई एल एन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ये वाई क्या जाएगा, इधर होगा तो प्लस होगा, तो वाई प्लस वाई एल एन एक्स इक्वल टू एक्स। तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, डिवाई वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एल एन एक्स, ठीक है। तो हम लोग वाई निकाल लिए, और जब हम लोग वाई निकाल लिए तो इसको अब हम लोग सिंपली जो है एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर दिया गया। मतलब डेरिवेटिव्स का रूल हम लोगों ने डिफरेंट, जो डिवाइड का रूल है हम लोगों ने वही यहाँ पे यूज़ किया। वन प्लस एल एन एक्स को रखेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन, माइनस एक्स को रखेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, और इनटू एल एन एक्स का क्या होता है, वन बाय एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव्स के जो भी हम लोग का डिवाइड का रूल है वही हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, और डी वाई बाई डी एक्स जो है एल एन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एल एन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नाइन्थ नंबर, डिफ्रेंशिएशन एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स पे पावर एक्स, ठीक है गाइज। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखें, एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स पे पावर एक्स, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वाई इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया, एक्स साइन एक्स, और जेड इक्वल टू क्या ले लिया, साइन एक्स। ये इसको मान लिया जेड और इसको मान लिया वाई, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि डी वाई बाई डी जेड, यही तो है, डी वाई बाई डी जेड आपको निकालना है। तो डी वाई बाई डी जेड को हम लोग क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स हम लोगों ने इसको लेट किया, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, एक्स के साथ इसको हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। सिंपली जस्ट उसको एक्स के साथ हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद सिंपली जो है हम लोगों ने क्या किया, उसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा ए आ गया। फिर उसके बाद लेट जेड, और जेड जो है यहाँ पे क्या दिया गया, साइन एक्स पे पावर एक्स, ठीक है। फिर जेड को हम लोगों ने क्या किया,
जेड को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट पे, तो वन बाय जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन बाय साइन, जो भी इसका हम लोग सिंपली जो है डेरिवेटिव्स क्या, तो डी वाई बाई डी जेड जो है मेरा ये आ गया, डी वाई बाई डी जेड मेरा ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ठीक है टू सॉरी डी जेड बाई डी डी जेड बाई डी एक्स ये टर्म्स आया, लेकिन हम लोगों को पूछा गया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड, ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल का वैल्यू हम लोग को पुट आउट किया तो ये हम लोग आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आई एस आई में पूछा गया हुआ है कि यू इक्वल टू फाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, आपको इसको निकालना डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है गाइस। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि रिकरिंग मतलब एक सेम नेचर्स पे है तो हमेशा ही इसका जीरो होता है, कैसे होता है जीरो देखें, तो डेल यू बाई डेल एक्स जब भी आप निकालोगे तो क्या होगा डेल एक्स, लेकिन एज अ पार्शियल डेरिवेटिव्स जब भी आप अगर एक्स को कौन से अगर वो अगर आप एक्स को कॉन्स्टेंट मानते हो तो एज अ वाई पे क्या होगा माइनस फाइव एक्स, फिर उसी तरह से क्या होगा वाई का उसी तरह से जेड का हो गया, तो आपस में सब कैंसिल आउट होते जाएगा और आंसर क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका क्वेश्चंस पेपर दिया गया हुआ है तो आप एक बार वहाँ से ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।